नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के एक नई वीडियो के साथ में, ये जो ट्रैक्टर है खरकोदा से आया हुआ है और जाट लैंड ट्रैक्टर है, जाट लिख रहा है इस पे। और हमारे मम्मा जी भी इस ट्रैक्टर पे उपस्थित हैं। तो एक बार ट्रैक्टर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 16 के टायर में ट्रैक्टर है। तो कुछ भाई कहते हैं कि 16 के टायर में ट्रैक्टर दबता है, 14 के में नहीं दबता। तो आज ये बात कंफर्म करेंगे कि 14 के ट्रैक्टर टायर के ट्रैक्टर में फ़ायदा है या 16 वाले में। तो किसान बताएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई एवरेज कौन से में अच्छा मिल रहा है, खर्चा कौन से में कम आ रहा। तो एक बार इनसे बात कर लेते हैं और ट्रैक्टर को मतलब बिना मशीन छेड़े ही चला कर देखेंगे कंप्यूटर पे और कम से कम RPM पे। तो एक बार बात कर लेते हैं। और कपिल जी नमस्कार, एक बात बताओ, जब आप ट्रैक्टर को इसे चला रहे हो, इससे पहले आपने कौन सा ट्रैक्टर चलाया? 595। उसमें इसमें क्या फ़र्क है? अच्छा, इसमें और उसमें क्या फ़र्क दिखाई दिया? फ़र्क यो है, वो थोड़ा सा मंदा चले था, किसानों को पसंद नहीं आवा था कि भाई मंदा चल रहा है। रेस नहीं थी उसमें? रेस तो थी, रेस ज़्यादा देवे थे तो तेल को नीचे कूद दिखा देता वो, कि पैसे नहीं देते किसान। किसान पैसे देवे तो मतलब हमें भी तो अपना एवरेज देखना है। अच्छा, कुल मिला के बात यह है एवरेज के मतलब बचत नहीं, ज़्यादा बचत नहीं होती। हाँ, बचत नहीं होती। अब नू कहें स्वराज तो बहुत तेल पीवे? स्वराज कुछ भी तेल नहीं पीता, दूसरे गियर में इस 1200 चक्करों पे चलाओ या 3 लीटर तेल ले 2 घंटे। अब आप इसे कंप्यूटर मांझे पे कौन से गियर में चला रहे हैं? पहले में। पहले के हाई में कितने RPM पे? 1400। दबता नहीं 1400 पे? बिल्कुल बिल्कुल भी खींच लेगा इसे मत छेड़ना, इसकी हाँ, बात हाँ, है पक्की। बिल्कुल, दोनों हाथ यहाँ रहने चाहिए। हाँ, हाँ। और पाँव फुटवेयर पे बस, जो अगर लंबे फाट होते तो उतर भी जाता। अच्छा, हाँ, चलो कोई नहीं, मोड़ते रहना। बाकी एक तो मशीन में छेड़ना, RPM 1400 रखना। और एवरेज कितना है इसका? चलो तुम कम बता दो। एवरेज जो है इसका, जो जैसे अभी पहले के गियर में 1400 चक्करों पे चलेगा, 3.5-4 लीटर तेल लेगा घंटे। 3.5-4 लीटर? जैसे 14 की टायर होते हैं, इसमें अगर 16 की बजाय तो चाल कम हो जाती ट्रैक्टर की? नहीं, दबता कम ट्रैक्टर या 16 के में नहीं, ठीक है? 16 के में इतना जतरे पे इतना कहाँ दबा है वो ट्रैक्टर। अच्छा, बड़ा इंजन है ना। अच्छा, एक बार मम्मा जी से भी चर्चा कर लेते हैं। मम्मा जी का भी काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है ट्रैक्टरों में, और मम्मा जी से डिटेल से बात करेंगे इन्होंने कौन कौन से ट्रैक्टर चलाए। और मम्मा जी एक बार दर्शक भाइयों को बताओ, ट्रैक्टर कौन कौन से चलाए? मैंने चालू करा है एस्कॉर्ट 335 पुराना मॉडल। हाँ जी, वहाँ से ले गए। हाँ जी, फिर लाया 242 आई सर। अच्छा, NC। हाँ जी, उसने खाया घंटे में 3.5 लीटर डीजल। उसके बाद कौन सा ट्रैक्टर ले गए? उसके बाद में पावर ट्रैक लाया। कौन सा? 435। उसके बाद में 1644 लाया। अच्छा जी, और 1644 के बाद में AC लाया। अच्छा जी, और AC के बाद में 575 लाया। अब ये जो तमाम ट्रैक्टर आपने बताए, इन ट्रैक्टरों में जो सबसे सुपर सबसे ताकतवर ट्रैक्टर था वो कौन सा था? सबसे सुपर ताकतवर ट्रैक्टर जो मुझे लगा था, जिसमें दम हा, जिसमें दम हा, हाँ। वो तो था AC। अच्छा, लेकिन उसमें थी कमी। अच्छा, क्या कमी थी? क्योंकि उसकी स्लिप बारीक थी। अच्छा, जैसे बिल्लेड हो इस तरीके की स्लिप थी उसमें, काफी बारीक स्लिप थी। हमने कई बार उसका इंजन कराया, ऐसे मान लो कि बर्फ में दाब के तो स्लिप ठोकनी पड़ गई उसकी। अच्छा, एक चीज बताओ, 48 HP के अंदर जैसे 45 HP AC था, 48 HP 744 था, तो उसमें 744 में क्या फर्क था ताकत में? कम थी 744 की ताकत? नहीं, 744 की ताकत बड़ी है, लेकिन 744 में एक कमी ही, ढूंगे मारे यार सूत्र। अच्छा, हैरो पे। अच्छा, उसके बाद आपने जो पावर ट्रैक चलाए, पावर ट्रैक के ट्रैक्टर तो काफी फेमस बताए जाते हैं डीजल खर्च में। पावर ट्रैक के और महिंद्रा के ट्रैक्टर में एक खासियत है, दोनों पहियों से ग्रोपर जोर लगाते हैं। जोर तो लगा, मैं तेल को पूछ रहे, तेल बताओ। नहीं, तेल में कोई दोनों का डिफरेंस नहीं है, दोनों बराबर तेल खाते हैं। अच्छा, महिंद्रा के ट्रैक्टर में दम कैसा? महिंद्रा के ट्रैक्टर में दम बढ़िया है, लेकिन उसे पावर ट्रैक जो है, पहले वाले पावर ट्रैक जो है वो मार लेंगे दम। महिंद्रा बातें मोड़ पे दम तोड़ दे तो महिंद्रा तो स्वराज को मार देगा दम में। महिंद्रा तो स्वराज को भी मार देगा दम। नहीं, पावर ट्रैक मार देगा। नहीं, महिंद्रा ट्रैक्टर स्वराज ट्रैक्टर को ताकत के मामले में पीछे छोड़ देगा? स्वराज को नहीं छोड़ने का, नहीं छोड़ने का, तेल में तो छोड़ देगा, तेल में छोड़, लेकिन ताकत में नहीं छोड़। चलो, मशीन का ध्यान रखियो, एक तो मशीन में छेड़न दियो और RPM ना ड्रॉप। स्वराज को वैसे ही छोड़ने का इस बात। किसान भाइयों, 1400 RPM पर ट्रैक्टर को चलाया जाएगा और आप देखना जतरा भर के भी दिखाएंगे। कौन हो मंगेगी डाउन मिट्टी?
भरगा मान जा भरगा, मशीन तो ना छेड़ रहे, देख लो भर गया मान जा वगैरह करो। पहिए ऊपर उठ रहे हैं, अब ना उठ रहे, पता नहीं उठे हो तो कहाँ उठ रहे। किसान भाइयों आप देख पा रहे हैं 855 ट्रैक्टर है, खुल के चल रहा है। बाकी एक ट्रैक्टर पहले दिखाया मैंने आपको महिंद्रा का, वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा था और ट्रैक्टर की आवाज़ तो इसकी दीवानी कर दिया किसान हो। जिस किसान के खेत में ही मांझा लगाने भी जाएगा ना, आधा तो किसान ट्रैक्टर देख देख के खुश हो जा। अब वो बड़ा ट्रैक्टर है, स्वराज ट्रैक्टर है, महंगा ट्रैक्टर है, आधे तो नहीं राजी हो जाए बेचारे। लेकिन कायदे में मांझा हमेशा मंदा लगवाना चाहिए कम स्पीड के साथ में। अब क्या तो नहीं भर रहा मांझा, मुझे लगे उन्होंने पहले भर के दिखाया दिखा जान के। दोस्तों एक वीडियो इस ट्रैक्टर की स्पेशल लोड के साथ में दिखाएंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ लोड नहीं पड़ रहा ट्रैक्टर पे। यहाँ तो ये क्या एक भी आर पी एम ना तोड़ रहा हो। बाकी ट्रैक्टर बढ़िया है, धन्यवाद, नमस्कार।